नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सुरेंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास खुले आसमान के नीचे से। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंस्टाग्राम के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, और अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का वेरिफिकेशन करते हो दोस्तों तो आपको इसके क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। आप ये भी जान लो दोस्तों कि जितने भी वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई किया रहता है जो है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको इसको तुरंत करना चाहिए। और आज मैं यही ट्यूटोरियल्स अपने व्यूवर्स को सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो, और अगर करते हो तो फिर इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, यही मैं सिखाता हूँ। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, आपको सीधा लेकर चलूँगा मोबाइल पर और आपको सारी ट्यूटोरियल्स दिखाऊँगा कि कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट को आप वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप लोग आ चुके हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, और आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना इंस्टाग्राम को ओपन कर लीजिएगा। आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे, फिर आप आ जाइएगा अपने प्रोफाइल के सेगमेंट में दोस्तों जो है, ठीक है। अपना प्रोफाइल ओपन कर लीजिएगा इंस्टाग्राम में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप किस तरह से अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं इंस्टाग्राम से, और उसके क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो प्रोफाइल पे जैसे ही आप आएंगे दोस्तों, तो सबसे नीचे आप देखेंगे, थोड़ा सा सबसे नीचे आ जाइएगा और आपको वहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप सेटिंग के ऑप्शन को ओपन करेंगे दोस्तों, आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे। आप जो है वहाँ पर मिलेगा आपको रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का, तो वहाँ पर क्लिक करिएगा, आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पर आ जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आप क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ अपना पूरा नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपका पूरा नाम है, ठीक है, और पूरा रियल नेम डालिएगा दोस्तों। यहाँ कोई फ्रॉडफिकेशन मत करिएगा, उससे कुछ बेनिफिट आपको मिलेंगे आगे चल के, ठीक है। तो पूरा नाम डाल दीजिएगा और आपका जो फेमस नाम है वो डाल दीजिएगा। आप किस कैटेगरी के में आते हो, मतलब किस कैटेगरी से रिलेटेड हो आप, वो यहाँ पर डाल दीजिएगा कि फैशन, म्यूज़िक, ठीक है, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, ब्लॉगर, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, जो भी कैटेगरी हो आप डाल दीजिएगा वो, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे प्लीज़ अटैच अ फोटो योर आईडी, एक ओरिजिनल आईडी, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आप यहाँ पे एक रियल आईडी दीजिएगा, ठीक है। चूज़ फाइल पे हम क्लिक कर लेंगे दोस्तों जो है, और फिर ये हमें देखते हैं कहाँ रीडायरेक्ट करता है। तो चलिए चूज़ फाइल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही ओपन किए तो ये मुझे लाया गैलरी में, तो यहाँ से मैं अपने एक आईडी कार्ड, किसी भी एक आईडी कार्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, और फिर उसको हम वहाँ पर फिलअप करते हैं। तो चलिए गैलरी से एक आईडी ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया। देखिए अब यहाँ पर जो है लिख दिया फाइल हैज़ बीन सेलेक्टेड, मैंने आईडी यहाँ पर लगा दी है अपनी आधार की, और बोल रहा है कि अ फाइल हैज़ बीन सेलेक्टेड, और मैंने ओके किया। तो अब ये जो है वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड, ठीक है, ये हमें इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ मेरा रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुका है, आप देख रहे होंगे। और मैंने इसी तरह से दोस्तों बस आपको करना है। इसके फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ जो है दोस्तों, कि आपने गौर किया होगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो इंस्टाग्राम से बहुत से पैसे कमा रहे हैं, वो अपने अकाउंट को वेरीफाई किए रहते हैं, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के पैसे तो कोई नहीं कमा सकता, ये आपको कोई नहीं बताता होगा। सब खाली यही बता देगा कि हाँ इतना कमा लो इंस्टाग्राम से, उतना कमा लो, कहीं कुछ नहीं। सबसे मस्ट स्टेप यही होता है फ्रेंड्स कि आपका अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने छोटे भाई मुझे देखते हैं, इसी तरह से अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।